गुड इवनिंग एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू द ब्लैक होल। आप में से बेशतर और उनमें मैं भी शामिल हूँ, ये ख्वाहिश रखते हैं कि हमारी कम्युनिकेशन स्किल या हमारा इजहार या हमारा जो इबलाग है उसमें बेहतरी आए, और हर कदम हर मरहले पर हमें ये भी एहसास होता है कि नहीं, अभी बहुत हमें इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है और अभी हमारी इस्लाहियत में खला और कमी जो है वो मौजूद है। मिसाल के तौर पे ईमेल लिखनी हो, सीवी बनाना हो, कोई ख़त, ख़ास तौर पे कवर लेटर, रिसर्च प्रपोज़ल, और सबसे बढ़कर ये कि अगर हमें कहीं जॉब इंटरव्यू देना हो तो वहाँ पे हमारे जो हैं फिर आसान जो है वो ख़ता हो जाते हैं। आज का सेशन इसी सूरत हाल को मद्देनज़र रखते हुए और आप लोगों की तजवीज़ पर ही हमने डिज़ाइन किया है। इसका उन्वान है मास्टरिंग एरर फ्री इंग्लिश राइटिंग एंड स्पीकिंग, एंड वी आर वेरी ग्रेटफुल टू शकील चौधरी साहब, ही इज़ स्टैंडिंग ऑन माय राइट, जो आज इस मौजू पर हमारी रहनुमाई करेंगे। आप इन्हें जानते हैं, ही इज़ अ सीजन्ड जर्नलिस्ट, अकम्पलिश्ड ऑथर एंड कम्युनिकेशनल एंड कम्युनिकेशन प्रोफेशनल विद अ रिच एंड डाइवर्स बैकग्राउंड। आपकी शख्सियत की कई जहतें हैं, मिसाल के तौर पे आप मीडिया एजुकेटर हैं, आप कई अंग्रेज़ी अखबारों जराइद के लिए लिखते रहे हैं, आपकी इंटरव्यू की स्किल आप मुलाहजा कर सकते हैं इनके यूट्यूब चैनल पर, जहां आपने दर्जनों नहीं मेरे ख्याल सैकड़ों शख्सियात का आपने इंटरव्यू किए हैं, और हमें उम्मीद है कि आज हम इनके तजर्बे से और इनके हुनर से फ़ायदा उठाएंगे। ख़ास तौर पे आपका जो इंग्लिश ज़ुबान सीखने और सिखाने की जो पैशन है, इट इज़ एविडेंट इन हिज क्रिटिकली अक्लेम्ड बायलिंगुअल बुक जो मेरे बाएं हाथ पे मौजूद है, टाइटल्ड हैंडबुक ऑफ फंक्शनल इंग्लिश, जिसे शाया किया है फिरोज सन्स ने। इनके बारे में, इस किताब के बारे में मैं दो तबसरे आपके सामने मुख्तसरन रख दूँ। कमिंग फ्रॉम प्रोफेसर तारिक रहमान एंड आरिफ वकार ऑफ द BBC, कोट अनकोट एन एक्सेलेंट गाइड फॉर द साउथ एशियन यूजर ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज, एंड अगेन कोट अनकोट एन एक्सेलेंट वर्क ऑफ स्कॉलरशिप। ये थे तबसरे फ्रॉम प्रोफेसर तारिक रहमान एंड आरिफ वकार रिस्पेक्टिवली। प्लीज़ अपने सेल फोन जो है वो साइलेंट मोड में कर लें, ताकि बगैर किसी डिस्ट्रैक्शन के आज हम इस अहम मौजू से कुछ सीख सकें। सो लेडीज़ एंड जेंटलमैन, प्लीज़ वेलकम शकील चौधरी साहब। थैंक यू। तो बहुत शुक्रिया, बहुत लगता है कि आपको इंटरेस्ट है इस मौजू से, तो आप इंजॉय करेंगे इसको। लेट्स मेक इट एन इंटरेक्टिव सेशन। तो कुछ आपसे मुझे सीखने का मौका मिलेगा, कुछ शायद आपको मुझसे सीखने का मौका मिले। तो इसको कीजिएगा ऑन प्लीज़। नहीं, अच्छा जी, हम प्रोनाउंसिएशन से शुरू करते हैं। तो एनी वॉलंटियर हु वुड प्रोनाउंस दीज वर्ड्स प्लीज़। एडजन, एडजेसेंट, एडजस्टमेंट, एडोब, आलमंड, annihilate, appreciate, assumption, asthma, bear, bigot, boston, bugle, cleanliness, closely, clothes, comfortable, compilation, conservative, cosmopolitan, coup, crescent, david versus goliath, derbys, despotism, deterrence, discretion, dossier, echo, chamber and envelope. Anybody who would like to contribute to this? कोई गलती नजर आई हो, सुनी हो आपने? Please. It's about the word bigot. He pronounces as bigot. Bigot? It's bigot. Bigot. Let me read out. Yes. You know, let me pronounce these words. अब ये जो D और J है ना, इसमें D silent होता है, you know. So it is adjourn, adjacent, adjustment, और अगला जो लफ्ज है जो कंप्यूटर में बहुत यूज होता है, लेकिन कंप्यूटर साइंटिस्ट भी बहुत मिसप्रोनाउंस करते हैं इसको, ये अडोबी है, दिस इज अडोबी। और अगला जो लफ्ज है, दिस इज आमंड। क्या होता है आमंड? बादाम। और ये जो है इसमें एक लेटर साइलेंट है, और वो है एच। अनाइलेट। और अगला जो है अप्रीशिएट, सही बोला उन्होंने, और उसमें कुछ लोग हमारे जो है ना सही बोलने के जोम में इसको अप्रीशिएट बोल देते हैं, विच इज़ नॉट करेक्ट।
नेटिव स्पीकर जो हैं अहले ज़बान वो भी इसको अप्रीशिएट ही बोलते हैं, अमेरिकन भी ब्रिटिश भी। तो अप्रीशिएट कह के इतना तकल्लुफ़ करने की ज़रूरत मेरे ख्याल में नहीं है। और आगे जो है ये असम्पशन है, जेड नहीं है, एस ही है ये। इट इज़ प्रोनाउंस द वे इट इज़ रिटन, असम्पशन, अस्यूम, आई अस्यूम यू आर अ ग्रेजुएट। और आगे जो है ये इसमें टी एच साइलेंट है, तो क्या बन जाएगा फिर ये एस्मा। ब्रिटिश इंग्लिश में एस्मा बोलते हैं इसको और अमेरिकन में एज्मा, दमा, दमे का जो मर्ज है। और आगे जो है बेयर, सही बोला इन्होंने, बेयर का मतलब रीच और बर्दाश्त करना भी। बहुत सारे लोग इसको बियर बोल देते हैं विच इज रॉन्ग। और ये जो है ना, दिस इज बिगट। डज एनीबडी नो व्हाट डज बिगट मीन? तासुब, यानी ऐसा बंदा जो तासुब रखता हो, जैसे रेशली बिगटेड पर्सन, नस्ली बुनियादों पे जो करता है, और रिलीजियस बिगट भी हो सकता है, समबडी हु हेट्स समबडी एल्स बिकॉज ही और शी बिलोंग्स टू अ डिफरेंट रिलीजन और व्हाटएवर। सो इसको बाय गॉड नहीं बल्कि बिगट, इसी से लव्स बिगटरी भी बना। और दिस इज अ सिटी इन अमेरिका, हमारे बहुत सारे लोग इसको बोस्टन बोल देते हैं, दिस इज बोस्टन। और आगे जो है ना, बगल नहीं है, ये ब्यूगल है, ब्यूगल। और आजकल तो इतना आसान है कि आप किसी भी डिक्शनरी पे जाएं, कैम्ब्रिज फॉर एग्जांपल इज़ अ वेरी गुड डिक्शनरी, और गूगल पे जाके आप लिखें यही लफ्ज़ फॉर एग्जांपल बी यू जी एल ई लिखें, आगे मीनिंग लिख दें, तो वो आपको पहले ऑक्सफर्ड पे ले जाएगा, फिर शायद कैम्ब्रिज पे ले जाए। ऑडियो प्रोनंसिएशन सुनिए। सो ऑडियो प्रोनंसिएशन की सहूलत जो थी आज से 20-25 साल पहले हमें नहीं थी, तो आजकल बहुत आसान है अंग्रेज़ी को, अंग्रेज़ी सीखना और सही अंग्रेज़ी सीखना, इसलिए कि सो मैनी नेटिव स्पीकर्स आर अवेलेबल टू टीच यू देयर। अच्छा जी, आगे जो है ये सफाई, दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द मिस प्रोनाउंस्ड वर्ड्स, दिस इज क्लैनलीनेस, क्लैनलीनेस। और उसके बाद है क्लोजली, यानी एस है, जेड नहीं है, हमने इसको क्लोजली बना दिया, विच इज रॉन्ग। आगे जो है क्लोदिस जो लिखा नजर आ रहा है, दिस इज एक्चुअली क्लोज, क्लोज, टी एच इसमें भी साइलेंट है। देन कंफर्टेबल, कंफर्टेबल नहीं, कंफर्टेबल। और ये आगे क्या, कंपिलेशन, नॉट कंपाइलेशन, कंपिलेशन, जैसे किताब कंपाइल करते हैं। और आगे है जी कंसर्वेटिव, नॉट कंजर्वेटिव, द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन इज कंसर्वेटिव, कदामत परस्त जिसको कहते हैं। एंड दिस इज कॉस्मोपॉलिटन, जैसे हम कहते हैं लंदन इज अ कॉस्मोपॉलिटन सिटी, बहुत सारे कल्चर्स के लोग, बहुत सारी बहुत ज्यादा जबानें बोलने वाले लोग वहां रहते हैं। अच्छा जी, व्हाट डज दिस वर्ड मीन? इसमें पी साइलेंट है, हाँ, व्हाट डज इट मीन? या उसको, हाँ, इसको मिलिट्री कू भी कहते हैं, कू डेटा भी कहते हैं, लेकिन अब ज्यादा लफ्ज मिलिट्री कू आप देखेंगे वेस्टर्न मीडिया में भी मिलिट्री कू ज्यादा यूज होता है, तो यानी पी साइलेंट है कम से कम, ये जरूर जेहन में रखें। एंड दिस इज क्रेसेंट, सही बोला था मेरे ख्याल में आपने। एंड दिस इज डेविड वर्सेस गोलायत, हमारे एक इंजीनियर साहब हैं जेलम वाले, वो मैंने सुना इसको एक दिन गलत बोल रहे थे, गोलियत या कुछ ऐसे बोल रहे थे। एंड व्हाट इज दिस? मलबा, लेकिन इसमें एस साइलेंट है, डिब्री। एंड व्हाट इज दिस? डेस्पोटिज्म, डेस्पोटिज्म, आमरियत, यस, डिक्टेटरशिप कह लें। एंड दिस इज डिटेरेंस, डेटरेंस नहीं, डिटेरेंस। और आगे डिस्क्रेशन, सही बोला आपने। ये जो है ना, ये डिप्लोमेटिक लव्ज है, ये डॉसिए। और आर जो है ना, हमारे बहुत सारे लोग जो हैं इवन डिप्लोमेट्स भी इसको आर को साइलेंट नहीं करते, वो डॉसिए नहीं कहते, डॉसिए। दिस इज कम फ्रॉम फ्रेंच, तो उस वजह से फिर ये डॉसिए है।
एंड व्हाट इज दिस एको नॉट इको, मतलब है कि आप ऐसे माहौल में रहते हैं जहां एक ही तरह की ओपिनियन आपको सुनने को मिलती है, जैसे हम कहें कि आवर डिप्लोमैट्स लिव इन एन एको चेंबर, के दूसरे ख्यालात उन तक नहीं पहुंचते, अपने ही ख्यालात में उसी में ही गुम रहते हैं वो। एंड व्हाट इज दिस, ऐसा इसको लोग कह देते हैं एनवेलप, दिस इज इन एनवेलोप, इनवेलप होता है लिफाफे में डालना, प्लीज पुट दिस पेपर इन एन एनवेलोप। अच्छा जी, डज एनीबडी नो दिस वर्ड, कोई और, एनी अदर वॉलंटियर हु कैन प्रोनाउंस दीज वर्ड्स? जी प्लीज, एपिटोम, एग्जीक्यूशन, एक्सटम्पोर, फेडिजा, ghost, grass, healthy, heinous, hair, holier than thou, housing, hyperbole, increase, inspiration, inductment, infamous, integral, interim, irreparable, irrevocable, Kissinger, this is lasagna. Lasagna. इसके spelling में थोड़ा सा फर्क है, British English में E लिखते हैं आखिर में, Americans A लिखते हैं, this is lasagna. आगे चले जी, longevity, Lord इसमें, Lois Braille, luxury, Martians, mezzanine, Midas, mischievous, mortgage, narrative, nihilism, okay, North Carolina, Nova Scotia, Scotia, Nova Scotia, peasant. इसमें से कोई लफ्ज ऐसे हैं जिनका मीनिंग आपको नहीं आता या ये पता नहीं कि ये क्या है? सर ये nihilism का मतलब नहीं पता सर। अच्छा, so does anybody know what is nihilism? This is nihilism, H silent है इसमें। Psychology. Negative या जो किसी को मानता नहीं, अदम, अदमियत बल्कि कह लें, अदम, हाँ? हाँ, something like that, yes. Nihilism. Are you a nihilist? कि हर चीज का ही इनकार किए जा रहे हो, you know? So ऊपर से अगर हम शुरू करें, you know this word? Epitome. This is actually epitome. 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 बहुत सारे लोग ये बोलते हैं लफ्ज, मैंने सुना है, लेकिन they often mispronounce it. Epitome का मतलब होता है embodiment. जैसे हम कहें कि अली इज दी एपिटमी ऑफ सॉरिटोरियल एलिगेंस, कि लिबास बहुत अच्छा पहनता है वो, एपिटमी ऑफ सॉरिटोरियल एलिगेंस। आगे जो है इसका तलफ़ुज़ एक्सीक्यूशन, नॉट एग्जीक्यूशन, एक्सीक्यूशन, और उससे आगे है एक्सटेम्परी, नॉट एक्सटेम्पोर, एक्सटेम्परी, फिल बदी जिसको कहते हैं। आगे ये खाने की चीज है और इसमें जे जो है ना ये एच बन जाता है, दिस इज स्पेनिश फहीता। तो ये जहन में रखिएगा, स्पेनिश में जो जे है ना वो एच बोला जाता है, बहुत काम आएगी ये चीज। अच्छा जी, उसके बाद है गोस्ट, इसमें एच साइलेंट है, गोस्ट। डू यू बिलीव इन गोस्ट, यानी ये जो है जिन भूत पर यकीन रखते हो आप? आगे क्या है जी, ग्रोस, ग्रोस नॉट ग्रॉस, जैसे ही ग्रोसली एग्जैजरेटेड हिज अचीवमेंट्स, कि उसने अपनी कामयाबियां बहुत बढ़ा चढ़ा कर बयान की। एंड व्हाट इज दिस, हेल्थी, क्या है? हाँ अच्छा जी, हेल्थी नॉट हेल्दी, मतलब हेल्थ को हम सही बोल देते हैं लेकिन हेल्थी पे थोड़ा गड़बड़ कर जाते हैं। आगे क्या है जी, ये हेनस, व्हाट डज हेनस मीन? हाँ ग्रूसम जैसे होता है, खौफनाक, क्राइम जैसे हैं, हेनस क्राइम्स। तो बहुत सारे वकील आप देखेंगे कि वो भी इसको मिसप्रोनाउंस कर रहे होंगे। आगे क्या है जी, ये व्हाट डज इट मीन? वारिस। लेकिन इसमें आपको मैं अगर बताऊं कि एच साइलेंट है तो यू मे बी सरप्राइज्ड। एयर, और ये क्या है, होलियर देन दाओ, दाओ नॉट दो,
होलियर देन दाउ, यानी मैं आपसे ज्यादा मुकद्दस हूँ, अपने आप को सुपीरियर समझने का जो रवैया है. सो पीपल आर सिक एंड टायर्ड ऑफ हिज होलियर देन दाउ एटीट्यूड. आगे है जी हाउसिंग, ये जेड की तरह बोला जाएगा, एस की तरह नहीं. और ये जो है हाइपरबली, लाइक अपिटमी. और हाइपरबली का मतलब क्या होता है, डज एनीबडी नो? एग्जैजरेशन, बिग एग्जैजरेशन. और ये जो है इंक्रीज, नॉट इंक्रीज, इंक्रीज एस है. इट इज प्रोनाउंस द वे इट इज रिटन, इंक्रीज. डिक्रीज भी उसी तरह से, नॉट डिक्रीज. और ये जो है इसको बहुत सारे लोग हमारे जो है ना वो बोलते हैं इंस्पायरेशन, इंस्पिरेशन, यस. और ये जो है व्हाट डज इट मीन, फर्द जुर्म, ये इंडाइटमेंट है. अगर इंडाइट होगा तो फर्द जुर्म लगाना, तो इंडाइटमेंट कौन सा लेटर साइलेंट है इसमें? हमारे एक वजीर थे लॉ के, वो भी तो वो इसको इंडिक्टमेंट बोल रहे थे, यू नो. सो दिस इज इंडाइटमेंट. और ये जो है इनफेमस, इनफेमस नहीं इनफेमस, बदनाम के मानों में. तो एक दफ़ा मैं वहाँ गया हाइड पार्क में, संडे को वहाँ बहुत गर्मा गर्म डिबेट्स होती हैं, कुछ हैकलर्स भी आए होते हैं. हैकलर्स का मतलब है कोई मुकर्रर बोल रहा हो तो उसको बार बार टोकने वाले जो होते हैं. तो वो पुलिस वाले से मैंने पूछा, मैंने कहा व्हाट इज़ द नेम ऑफ दैट फेमस हैकलर, तो वो बड़ा तंग आया हुआ था उससे, कहता है फेमस और इनफेमस, यू नो, कि तुम कह रहे हो मशहूर, वो तो बदनाम है, यू नो. सो आगे क्या है जी, ये इंटीग्रल, नॉट इंटेग्रल, इंटीग्रल. यानी ई जो है वो आई की तरह बोलेंगे इसको, इंटीग्रल. एंड व्हाट इज दिस नेक्स्ट, इंटरिम, नॉट इंटरम, इंटरिम. दिस इज आल्सो यूज्ड इन लॉ, इंटरिम रिलीफ. द जज हैज प्रोवाइडेड इंटरिम रिलीफ, इंटरिम गवर्नमेंट, यस. और ये क्या है जी आगे, इरेपरेबल, इरेपरेबल, जिसकी रिपेयर ना की जा सके, नाकाबले मुरम्मत, बहुत ज्यादा डैमेज हो गया तो यू वुड से इट हैज बिकम इरेपरेबल. हाँ, आगे क्या है जी, इरेवोकेबल. एंड व्हाट डज दैट मीन, इरेवोकेबल, रिवोक जो होता है कैंसिल करने को कहते हैं, तो नाकाबले तंसीख, इरेवोकेबल. और सर नेक्स्ट वर्ड जी, कैन आई आस्क अ क्वेश्चन सर, क्या वर्ल्ड वाइड इन सारे वर्ड्स को ऐसे ही प्रोनाउंसिएट किया जाता है जैसे आप कर रहे हैं, या अगर टोन और एक्सेंट इनके प्रोनाउंसिएशन को इफेक्ट करता है, जैसे अमेरिकन हो गया, ब्रिटिश हो गया, अगर ये समझ नहीं आएगी तो फिर आगे नहीं जा पाएंगे? नहीं, वो मतलब कोई, देयर इज नॉट अ ह्यूज डिफरेंस. जहां पे फर्क था एजमा में है, जैसे अमेरिकन एजमा कहते हैं, ब्रिटिश एस्मा कहते हैं, लेकिन वो भी टी एच को साइलेंट ही रखते हैं. सो अगर आप किसी अमरीकी के सामने उसको एस्मा कहें वो समझ जाएगा, या किसी ब्रिटिश के साथ एस्मा कह दें तो कोई इतना, इट विल नॉट बिकम अ प्रॉब्लम. लेकिन इंडाइटमेंट को अगर आप इंडिक्टमेंट कहें तो शायद उसको दिक्कत हो कि क्या बोल रहे हैं आप ना. सो ब्रिटिश और अमेरिकन में इन चीज़ों में इतना शायद डिफरेंस नहीं है जितना हमने डाल दिया है. अच्छा जी, ये किसिंजर, ये 70s में अखबार हमारे बहुत कंफ्यूज होते थे कि ये जी जो है ना, ये हार्ड जी है कि सॉफ्ट जी है, तो कई अखबार किसिंगर लिखते थे. आज के दौर में दिस इज़ रियली इनएक्सक्यूजेबल कि इतना ज़्यादा एक्सपोजर है लोगों का. और हमारे आप हैरान होंगे, वज़ीर ख़ारजा, केयर टेकर वज़ीर ख़ारजा, वो इसको एक इंटरव्यू में किसिंगर कह रहे थे. इन दिस डे एंड एज somebody who served as ambassador to the US, और वो किसिंगर कह रहा है. आई एम नॉट श्योर इट वॉज एन इंटरव्यू और कहीं को उनके लेक्चर था क्या था, तो बट ही मिसप्रोनाउंस्ड इट. हम्म,
तो ये इजी जो है थोड़ा सा इजी में समझ आएगा कि जी के बाद ई आ जाए, आई आई वाई आ जाए, तो ये फिर सॉफ्ट जी पढ़ेंगे। वैसे तो खैर ये जर्मन वर्ड है बेसिकली, हेनरी किसिंजर वाज यू नो फ्रॉम जर्मनी। तो मेरा पॉइंट ये है कि आज के दौर में तो इस तरह की गलती जो है ना वो नहीं होनी चाहिए, और ख़ास तौर पे एक इतना तजुर्बाकार डिप्लोमेट है तो डिप्लोमेसी तो ज़बान ही स्पेशलाइजेशन होती है ना उसमें, कि आप अच्छी ज़बान बोलें, सख्त से सख्त बात भी सॉफ्ट लहजे में करें, तो मिस प्रोनंसिएशन की तो कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए उसमें। और किसी की बेइज्जती के मुतरादिफ़ होता है आप किसी का नाम जो है मिस प्रोनाउंस करें। अगर आपको क्लियर नहीं है तो उससे पूछ लें कि एम आई प्रोनाउंसिंग योर नेम करेक्टली। सो दैट इज़ वेरी स्ट्रेंज। आज के दौर में तो नहीं लिखना चाहिए, जब CNN आप हर जगह अवेलेबल है, BBC अवेलेबल है। अच्छा जी, आगे है लजानिया, हम कर चुके लॉन्जिविटी, यानी LONG तो लॉन्ग ही है, लेकिन ये जब लफ्ज बनेगा तो ये लॉन्जिविटी है, लंबी उम्र को ही कहते हैं लॉन्जिविटी। दिस फैमिली इज नोटेड फॉर लॉन्जिविटी, कि इसमें लोग जो हैं 80 साल 90 साल तक जीते हैं या उससे भी ज़्यादा। सो लॉन्जिविटी। और ये जो है लॉर्ड इज्मे है, ये ही वॉज अ ब्रिटिश जनरल और इंडिया में भी रहा ये बंदा, एंड ही वॉज द फर्स्ट सेक्रेटरी जनरल ऑफ द नेटो, लॉर्ड इज्मे। और ये जो है ना, ये लुई है, ये लुई ब्रेल, फ्रेंच। लुई ब्रेल वॉज द पर्सन हु इन्वेंटेड ब्रेल सिस्टम फॉर द विजुअली इम्पेयर्ड पीपल। तो इसका मैं इवन BBC उर्दू में देख रहा था तो उन्होंने लुइस लिखा हुआ था। आई वॉज सरप्राइज कि BBC इज कंसिडर्ड अ रिस्पॉन्सिबल ऑर्गेनाइजेशन, जहाँ फैक्ट चेकिंग भी होती है, थोड़ा बहुत ख्याल रखा जाता है कि गलत ना कोई लिखा जाए, कोई गलत बोला ना जाए। सो आगे है जी लक्शरी, लक्शरी। और ये क्या है, मार्शंस, मरीख से आए हुए लोग या मरीख से आई हुई मखलूकात। आगे क्या है जी, ये मेज़नीन, इसको लोग मेज़नाइन बोलते हैं हमारे यहाँ अक्सर ना। माइडस, द माइडस टच, कि एक बादशाह था उसको माइडस टच अता हुआ तो बड़ा खुश हुआ इनिशियली, कि जिस चीज़ को हाथ लगाता था वो सोना हो जाती थी। फिर उसको पता चला ये तो बड़ी जहमत है, वो खा भी नहीं कोई चीज़ सकता था, खाने की चीज़ को हाथ लगाता था वो भी सोना बन जाती थी। सो उसने फिर माफ़ी मांगी कि यार ये मुझे विश नहीं चाहिए। सो माइडस। और इंटरेस्टिंगली इस्लामाबाद में एक एडवर्टाइजिंग एजेंसी है जिसका नाम माइडस है, और वो खुद भी इसको मिडास बोलते हैं, यू नो। अच्छा जनाब, ये क्या है, मिस्चिवस, मिस्चिवस नॉट मिस्चीवस, शरारती के सेंस में मिस्चिवस। और ये इसमें कौन सा लेटर साइलेंट है, टी, दिस इज मॉर्गेज, मॉर्गेज। और ये जो है इसको कई लोग हमारे कह देते हैं नरेटिव, दिस इज नैरेटिव, नैरेटिव। और नायलिज्म हम कर चुके हैं पहले ही, यू नो, अदम जैसे होता ना, एक शायर भी था अदम, अब्दुल हमीद अदम, ये क्या नाम था उनका, यानी ना होना। अच्छा ये है जी नॉर्थ कैरोलिना, और मैं पिछले दिनों किसी से बात कर रहा था अमेरिका में, और वो बंदा काफी सालों से वहां रह रहा है, वो नॉर्थ कैरोलिना कह रहा था इसको, आई वॉज वेरी सरप्राइज्ड। अच्छा जी ये आगे जो है नोवा स्कोशा, एंड व्हाट इज नोवा स्कोशा, कैनेडा का सूबा है, एंड व्हाट डज इट मीन, न्यू स्कॉटलैंड, नोवा स्कोशा। और आगे जो है ये पेजेंट, नॉट पीजेंट, पेजेंट, इसमें मतलब ये समझ लें कि ये ए साइलेंट है तो इट इज पेजेंट। और पेजेंट क्या होता है, फार्मर, या। अच्छा जनाब, परसेंटेज, परसेंटेज नॉट परसेंटेज। और आगे प्लमर, बी साइलेंट है इसमें, प्लमर। पॉलीगमी,
are we following received pronunciation or the standard certain British pronunciation? I would go for received pronunciation. Yes. England mein jo mayari talaffuz hai usko received pronunciation kaha jata hai. Oxbridge bhi usko kehte hain, yani Oxford aur Cambridge University ka jo mayar hai. मैं वहाँ पढ़ता रहा लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में, तो वहाँ पे भी आपको ना एक क्लियर वो डिवीजन नज़र आती है. जो पोर्टर्स हैं, पीएन का लफ्ज़ वहाँ यूज़ नहीं होता, उसको पोर्टर कह लीजिए ब्रॉडली, वो ऐसी अंग्रेजी बोलते हैं कि यू विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड अ वर्ड एटलीस्ट इनिशियली. वाटर को वाह कहेंगे, बटर को बा कहेंगे, यू नो. तो ये जो थोड़े से गरीब लोग हैं, टैक्सी ड्राइवर्स हो गए, पोर्टर्स हो गए, दे स्पीक कॉकनी, तो इट्स वेरी हार्ड टू अंडरस्टैंड. लेकिन जो प्रोफेसर्स हैं, जो लेक्चरर्स हैं, दे स्पीक वेरी क्लियर इंग्लिश. अब स्कॉटलैंड अगर आप जाएं, ग्लासगो में बहुत हैवी एक्सेंट है. तो वहाँ पे एक बंदे से मैं बात कर रहा था, तो आई वॉज अमेज्ड कि उसका एक्सेंट नहीं था. तो मैंने उसको कहा, हाउ कम यू डोंट हैव एन एक्सेंट? कहता, आई एम एन अमेरिकन, यू नो. ग्लासगो के लोगों को समझना आपके लिए बहुत मुश्किल होगा बनिस्बत उसके जो अमेरिका से आया है, जो कनाडा से आया है. और उसमें भी ये है कि जो अपर क्लास के लोग हैं, वो ये कोशिश ज़रूर करते हैं कि हमारे बच्चों का हैवी एक्सेंट ना हो. अमेरिका में जैसे सियाटल एक शहर है, तो सियाटल के लोगों का एक्सेंट काफ़ी न्यूट्रल होता है. सो मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस लव टू हायर पीपल फ्रॉम सियाटल, के वो पूरी दुनिया में समझा जाता है. साउथ अमेरिका जो है उसकी बहुत हैवी वो है, सदरन ड्रॉल कहते हैं उसको, दैट्स वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड. सो सीएनएन वुड नॉट लाइक टू हायर समबडी हु हैज अ हैवी सदरन एक्सेंट. अच्छा जनाब, हाँ, परसेंटेज हो गया पोलिगमी. पोलिगमी, यू नो व्हाट इज पोलिगमी? हाँ, अच्छा जी, आगे क्या है? प्रेमिस. प्रेमिस, प्रॉपर्टी. प्रेमिस, नहीं, जैसे प्रेमिस ऑफ एन आर्ग्यूमेंट. ओके, रीजनिंग बिहाइंड. हाँ, आई डिसएग्री विद द प्रेमिस ऑफ योर आर्ग्यूमेंट. यस. और आगे है जी प्राइमा फेशी. प्राइमा फेशी, बजाहिर जैसे कहते हैं, अपेरेंटली. दिस इज आल्सो अ लीगल टर्म, यू नो. प्राइमा फेशी, प्राइमा फेशी ही इज गिल्टी, या प्राइमा फेशी ही इज नॉट गिल्टी. अच्छा जी, इसमें भी सॉरी, पर्पस, नॉट जेड बट एस. पर्पस, व्हाट इज द पर्पस ऑफ दिस बुक? और ये क्या है जी आगे? दिस इज की, जस्ट लाइक की दैट यू हैव इन योर लॉक. लेकिन होता क्या है, ये की जो है, यू फाइंड इट ऑन अ सी पोर्ट, जिसको गोदी नहीं कहते, बहरी जहाज की गोदी, जहां से लोडिंग अनलोडिंग करते हैं. दिस की. अच्छा जी, नेक्स्ट वर्ड है ये, दिस इज दिस टर्म इज फ्रॉम इंटरनेशनल रिलेशंस. रिप्रोशमा, फ्रेंच है ये. रिप्रोशमा मींस सुलह सफाई, बेहतर करना ताल्लुकात को, यू नो. अच्छा जी, अगला जो है उसमें कौन सा लेटर साइलेंट है? रिसीट, पी इज साइलेंट. और आगे Reformation, not reformation. इसी तरह से informative लफ्ज है, informative, मालूमाती, not informative. ये एक एजेंसी है, न्यूज एजेंसी, Reuters. Reuters is one of the most prominent and the best news agencies in the world. इनका मैं अगर आपको बताऊं कि 9/11 पे they refuse to use the word terrorist for the attackers, hijackers, na? And the American government was very upset ki ye itna bada terrorist incident hua hai and you are not using the word terrorist for these attackers. To unhone kaha tha ki terrorist of one person is the freedom fighter for another. That was not liked by the American government, obviously. So Reuters itni independent type ki news agency hai. And the man who founded it was from Germany. अच्छा जी, next, ये fish होती है एक,
इसमें एक लेटर साइलेंट है, विच वन इज दैट? सैमन, एग्जैक्टली. आगे जी सैंडविच, आगे क्या है जी ये? उससे बाद डे जो है, नो 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 नो, दिस वन सैटरडे. इसको हमारे अक्सर लोग सैटरडे कहते हैं, दिस इज सैटरडे. सैटरडे आगे एक बीमारी है जी ये, हाँ, स्किट्सो. आप मेडिसिन से है ना, हाउ वुड यू प्रोनाउंस इट? स्किट्सोफ्रीनिया. स्किट्सोफ्रीनिया. एंड देन सेल्फ राइचियसनेस. सेल्फ राइचियसनेस का मतलब होता है अपने आप को अखलाकी तौर पर बरतर समझने का ज़ोम, अपनी अखलाकी बरतरी का ज़ोम, सेल्फ राइचियसनेस. एंड देन स्मॉग. हमारे मीडिया ऑर्गेनाइजेशन स्मॉग का लफ्ज यूज करते हैं, दिस इज स्मॉग. अच्छा जी आगे क्या है? सजेस्टन. इट इज जस्ट लाइक क्वेश्चन. क्वेश्चन को कोई मिसप्रोनाउंस नहीं करता और सजेस्टन को कोई सही प्रोनाउंस नहीं करता, अनफॉर्चुनेटली. हालांकि वही सेम स्पेलिंग है, सेम फॉर्मूला है. अच्छा जी व्हाट इज दिस? स्वीट. होटल स्वीट जैसे होता है, यू नो, मतलब एक तो कमरा होता है, एक स्वीट, मतलब उसमें हो सकता है कि साथ आपको एक लिविंग रूम भी मिल जाए, कुछ और फैसिलिटीज भी मिल जाए, दो कमरे हों शायद. सो स्वीट. और आगे जो है, अगेन इंटरनेशनल लॉ की, इंटरनेशनल रिलेशंस की टर्म है ये, बेलफोर. बेलफोर, द बेलफोर डेक्लरेशन. एंड बेलफोर, बेलफोर, बेलफोर एट दैट टाइम वाज द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट. उससे पहले प्राइम मिनिस्टर भी रह चुके थे ये साहब. और ये 1917 की बात है. आगे क्या है जी ये? टी आई ई आर. टीयर. और टीयर का मतलब होता है तह, जैसे यानी टू टीयर केक, दो तह वाला केक. टॉप टीयर ऑफ द गवर्नमेंट, टॉप टीयर ऑफ द ब्यूरोक्रेसी, के टॉप के जो लोग हैं. और आगे क्या है जी ये? अच्छा, कई लोग इसको बोलते हैं ट्रुथ, विच इज एक्चुअली नॉट करेक्ट, ट्रूथ. और ये क्या है? वीगर्स. वीगर, वीगर. एटलीस्ट इन इंग्लिश इट शुड बी प्रोनाउंस्ड एज वीगर. वीगर जो है टर्किक नस्ल के लोग हैं, चाइना में हैं काफी, और उनका काफी प्रॉब्लम चलता रहता है कि वो कंप्लेंट्स, या कि शिकायत चलती रहती है कि उनको अच्छी तरह ट्रीट नहीं किया जा रहा, या उनको एजुकेशन कैंप्स, री एजुकेशन कैंप्स में भेज दिया गया है, वगैरह वगैरह. अच्छा जी, अनसर्टनटी. अनसर्टनटी, नॉट अनसर्टेनिटी, अनसर्टनटी. और ये अनइक्विविकली. अनइक्विविकली, अनइक्विविकली, इसको इसको जो है ना, आप उस पर देखिए डिक्शनरी में जाके, ऑडियो प्रोनंसिएशन इसका चेक कीजिए, एंड देन रिपीट दैट प्रोनंसिएशन. अनइक्विविकली इसका मतलब होता है क्लियरली, विदाउट एनी एम्बिग्विटी. या अच्छा जी आगे क्या है? यूसलेस, नॉट जेड बट एस, यूसलेस. और आगे वेजिटेबल. वेजिटेबल नहीं, वेजिटेबल. वेजिटेबल. और आगे जो है इसमें क्या लेटर, कौन सा लेटर साइलेंट है? एच साइलेंट है इसमें. व्हीकल. और आगे वाई काउंट. वाई काउंट नेल्सन. ये एक नवाबी का दर्जा है. काफी सारा दर्जे हैं बरतानिया में ना, अर्ल होता है, एक बैरन होता है. या सो वाई काउंट. और ये क्या है जी? पीछे से कोई पार्टिसिपेशन कम है कुछ. जी विजा वी. और आगे जो है ये साहब हैं बहुत बड़े, ही इज वन ऑफ द रिचेस्ट पीपल इन द यूएस. और इनकी खूबी ये है कि इन्होंने अपनी
99% वेल्थ जो है वो वसीयत की है कि वो चैरिटी को जाएगी. सो ही सेज दैट 1% ऑफ दैट इज इनफ फॉर माई चिल्ड्रन. और इनके अभी जो है 122 बिलियन डॉलर्स इनकी नेटवर्थ है. एंड ही इज़ अ वेरी वेरी सिंपल फ्रूगल पर्सन. पुराने घर में रहते हैं, पुरानी गाड़ी इस्तेमाल करते हैं. एंड ही वॉज बॉर्न इन 1930. सो ही इज वॉट 93. सो इनका नाम जो है ना ये लोग मिसप्रोनाउंस करते हैं. वो जो खाने वाला बफे होता है ना, ये बुफे उस तरह नहीं है. ये दिस इज बफेट. और इसके स्पेलिंग में भी थोड़ा सा फर्क है. दिस इज वॉरेन बफेट. और आगे क्या लफ्ज है जी, ये वेल्थी. वेल्थ वेल्थी जस्ट लाइक हेल्थ एंड हेल्थी. और ये कोई लेडीज में से बताएंगे क्या हाउ टू प्रोनाउंस दिस वर्ड? ऊंचा बोलिए सर. वेनसडे, इट्स नॉट विटनेस डे आई थिंक. वेन्सडे, यस सर, वेन्सडे. और आखिरी जो लफ्ज है ये क्या है जी? ज़ेलट. दिस इज नॉट ज़ेलट बट ज़ेलट. और ज़ेलट का मतलब क्या होता है? एग्जाइटेड सर. ज़ेलट मींस फनेटिक, एक्चुअली फनेटिक. रिलीजियस ज़ेलट. ज़ेलट, रिलीजियस ज़ेलट्स. ये CNN पे मैंने एक दफा सुना कि दोपहर के वक्त ना एक इंडियन बोल रहा था ज़ेलट. बट जब बाद में उसने वही बुलेटिन पढ़ा, खबर पड़ी 2-3 घंटे बाद, तो ही हैड करेक्टेड हिज प्रोनंसिएशन. द हेड ऑफिस मस्ट हैव टोल्ड हिम कि भाई ये ज़ेलट नहीं बोलना, इसको ज़ेलट बोलना है. सर एक इंपॉर्टेंट लफ्ज है सर, ये रेनेसांस है या रेनेसेंस? रेनेसांस या रेनेसेंस, जिस तरह भी बोल दें. एक अमेरिकन प्रोनंसिएशन है, एक ब्रिटिश है. रेनेसांस, रेनेसांस, रेनेसांस. अच्छा जी, आई होप वी डिड नॉट मिस एनीथिंग हियर. हो गया. अच्छा जी, सो एनी वॉलंटियर्स अगेन, हैव यू रेड? आप डॉक्टर साहब पढ़ेंगे तो कैसे पढ़ेंगे इसको? हाँ सॉरी. Have you read Stephen Covey's magnum opus, The 7 Habits of Highly Effective People? This is actually Stephen jo likha jata hai na, it is pronounced Stephen. Stephen. And short mein Steve keh dete hain isko. So many people would say Steve Covey. Covey, just like our actor Covey. Covey nahi hai ye, Covey hai. Have you read Steve Covey's magnum opus, The 7 Habits of Highly Effective People? अच्छा जी, आगे क्या है? जी आप. San Jose is the capital, yes, of the country. जैसे हमने अभी discuss किया. Yes. ये जो है ना मुल्क, कौन सा मुल्क है ये? San Jose is the capital of the country that abolished its military in 1948. कौन सा मुल्क है जिसने अपनी military abolish कर दी थी 48 में? Does anybody know? Japan still has considerable military, you know, force. उनको कहते हैं defense, self defense forces or whatever. And Japan spends a lot of money on defense, by the way. This country is Costa Rica. और मेन चीज ये है कि सैन होजे है ये, और इसी नाम का एक शहर अमेरिका में भी है, कैलिफोर्निया में भी, यू नो. सो दिस इज सैन होजे. जैसे हमने पहले डिस्कस किया, स्पेनिश में जो जे है ना वो इच बोला जाता है. अच्छा जी, आगे तीसरा जो है SEOUL. जी, सियोल इज द कैपिटल ऑफ द कंट्री दैट इज अ लार्जर इकोनॉमी दैट रशियास. हाँ, सोल है इसका तलफ्फुज़, सोल. जस्ट लाइक SOUL, SOLE, दोनों का सोल ही है. तीसरा ये है, ये भी सोल है. और कौन से मुल्क का कैपिटल है सोल? साउथ कोरिया. और आप हैरान होंगे कि इट हैज अ बिगर इकोनॉमी देन रशियाज़.
यू नो, जिसके बारे में हम कहते हैं जी पाकिस्तान से उन्होंने सीखा बहुत कुछ. सो देयर इकॉनमी इज सो स्ट्रॉन्ग कि रशिया जैसा इतना बड़ा मुल्क जो है उससे वो आगे निकल गए हैं. अच्छा जी, हाउ वुड यू प्रोनाउंस दिस वर्ड? वाज ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी. ऑक्सफोर्ड, ऑक्सफोर्ड, या ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी. ऑक्सफोर्ड बहुत सारे हमारे लोग कहते हैं, ऑक्सफोर्ड नहीं, ऑक्सफोर्ड. वाज ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी एस्टैब्लिश्ड इन 11th सेंचुरी. अच्छा, इसमें क्या खराबी है? 11th. ये जब आता है ना 11th, 12th, 19th, तो डेफिनेट आर्टिकल की जरूरत होती है यहाँ पे. The 11th सेंचुरी, ठीक है जी. और आगे क्या है जी, ये नॉर्थ, नॉर्थ यॉर्कशायर. इट इज यॉर्कशायर एक्चुअली. यॉर्कशायर. जितने भी इस तरह के लफ्ज आते हैं उसमें ये लॉन्ग आई नहीं बोला जाता, शॉर्ट आई बन जाता है. सो यॉर्कशायर, ऑक्सफोर्डशायर, हैम्पशायर. अच्छा जी, हाउ लॉन्ग डज इट टेक टू फ्लाई फ्रॉम बीजिंग? बीजिंग. बहुत सारे लोग जो चाइना से पढ़ के भी आए होंगे या चाइना में रह रहे हैं, दे विल मिसप्रोनाउंस दिस वर्ड. बीजिंग है ये, बीजिंग, नॉट बीजिंग. और आगे टू ह्यूस्टन. ह्यूस्टन, ह्यूस्टन, ह्यूस्टन. सो बहुत सारे लोग हमारे ह्यूस्टन बोल देते हैं इसको. अच्छा जी, आगे क्या है ये, हैव यू बीन टू, ये सबसे मशहूर फिल्म फेस्टिवल है दुनिया का, एंड मैनी पीपल मिसप्रोनाउंस दिस वर्ड. द कान फिल्म फेस्टिवल. सी ए डबल एन ई एस. कान. कैन नहीं, एस नहीं बोला जाता ना. कैन्स. बिल्कुल नहीं, नहीं. कैन. कैन. कैन फिल्म फेस्टिवल, यू नो. और इज इट ट्रू दैट द ट्रीटी ऑफ वर्सेल, वर्साय, वर्साय वाज साइंड ऑन June 28th 1919. वर्साय जो है, वर्साय इज अ सिटी नियर नियर पेरिस, यू नो. अच्छा जी, आगे क्या है जी, लेडी रेडिंग हॉस्पिटल. लेडी रेडिंग हॉस्पिटल. दिस इज लेडी रेडिंग हॉस्पिटल. दिस इज द लार्जेस्ट हॉस्पिटल इन इन पेशावर, और हमारे मीडिया वाले काफ़ी मिसप्रोनाउंस करते हैं इसको. दिस इज लेडी रेडिंग हॉस्पिटल, एंड इट वॉज फाउंडेड इन 1924. जो वॉइस राय था उस वक़्त, उसकी ये वाइफ थी जिन्होंने ये हॉस्पिटल कायम किया. अच्छा जी, नेक्स्ट. वेयर वॉज पोप जॉन पॉल टू बरीड? हाँ, बरीड. वेयर वॉज पोप जॉन पॉल? इसको जो है ना, मैंने एक दफ़ा सुना इंडियन प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह, जब इनकी डेथ हुई तो ही वाज सेइंग पोप जॉन पॉल टू कह रहे थे. एक्चुअली दिस इज प्रोनाउंस पोप जॉन पॉल द सेकेंड, नॉट पोप जॉन पॉल टू. और ये जो लफ्ज है ना, ये बैरीड है, नॉट बरीड. बैरीड, बी ई, यानी यू को ई की तरह बोलना है आपने. बैरीड. अच्छा जी, ट्रांसलेशन का, हु हैज द बेस्ट ट्रांसलेशन स्किल्स? भिंडी को क्या कहते हैं, बैंगन को, और चने को क्या कहते हैं? भिंडी लेडी फिंगर्स. ओकरा इज द राइट वर्ड, नॉट लेडी फिंगर. ओकरा, ओ के आर ए. और बैंगन को क्या कहते हैं? सॉरी, एग प्लांट. इसको अमेरिकन इंग्लिश में कहते हैं. नहीं नहीं, ब्रिंजल भी ओल्ड फैशन वर्ड है, इंडिया पाकिस्तान में सिर्फ यूज होता है. एबरजीन. और अमेरिकन आसान कर दिया, वो किसी को नहीं भूलता, एग प्लांट, यू नो. और चने, चने को क्या कहते हैं? चिक पीस. हमारे यहाँ बहुत सारे लोग इसको ग्रैम कहते हैं, जी आर ए एम. बिजनेस रिकॉर्डर में जो कमोडिटीज की प्राइसेस लिखी होती है ना, उसमें वो एक दफ़ा ग्राम लिखा हुआ था इस तरह से. तो एक ऑस्ट्रेलियन डिप्लोमेट ने मुझसे पूछा कि ये ग्राम क्या होता है. सो ही वुड अंडरस्टैंड चिक पीस बट नॉट ग्राम. अच्छा जी, बजरी को क्या कहते हैं भला? जैसे सड़क बनाते हैं उसमें बजरी यूज होती है ना. हाँ, ग्रेवल. अक्सर लोग जो है ना, वो इसको क्रश कहते हैं पाकिस्तान में.
कि भाई ये क्रश कहाँ से खरीदी तुमने. सो दिस इज ग्रेवल नॉट क्रश. अच्छा जी, वादा माफ गवाह. वादा माफ गवाह. यू डोंट नो. हाँ, वादा माफ गवाह वो होता है कि कोई ऐसा एक्यूज जिसको पुलिस कहती है कि आप हमारे साथ कोऑपरेट करो, यू विल गेट अ लाइट सेंटेंस बिकॉज द पुलिस मे नॉट हैव इनफ एविडेंस. कहते तुम बयान दे दो, तुम्हें हम जो है ना 4 साल से 5 साल से ज्यादा नहीं सजा होने देंगे. यू नो या ही और शी वुड कन्फेस टू द क्राइम एंड विल कोऑपरेट विद द इन्वेस्टिगेटर्स. सो उसको कहते हैं वादा माफ गवाह. लेकिन अप्रूवर का लफ्ज़ जो है ना वो अब यूज नहीं होता. इंडिया पाकिस्तान में सिर्फ यूज होता है. सो इन द US दे वुड से ही टर्न्ड स्टेट्स एविडेंस. बर्तानिया में कहेंगे ही टर्न्ड किंग्स एविडेंस. यू नो. और हकीम साहब, हकीम साहब को क्या कहेंगे? व्हाट इज द इंग्लिश वर्ड फॉर हकीम? जैसे डॉक्टर होते हैं ना, डॉक्टर हकीम. हर्बलिस्ट भी कह सकते हैं और हर्ब डॉक्टर भी कहते हैं. हर्ब डॉक्टर. आप क्या करते हैं? योर इंग्लिश सीम्स टू बी वेरी गुड. हाँ, आई एम टीचिंग एट द ओपीएफ बॉयज कॉलेज इन इस्लामाबाद. HL4. ओके. एज ए लेक्चरर ऑफ हिस्ट्री एंड जियोग्राफी. ओके, ग्रेट. अच्छा जी, हकीम साहब तो हो गया. आगे एक लफ्ज है मुजारईन, और फिर है खाड़. पंजाबी जो लोग जानते हैं या जरी यानी रूरल एरिया से जिनका ताल्लुक है, खाड़ एक चीज़ होती है. जैसे ट्यूबवेल का पानी जो है ना वो खाड़ में जाता है. आर यू फेमिलियर विद इट? आपके यहाँ बलोचिस्तान में होता है खाड़ के नहीं? करीजें होती हैं वहाँ तो, करीजें. हाँ, ट्यूबवेल्स होते हैं. हाँ, तो डज एनीबडी नो द मीनिंग ऑफ खाड़? पंजाबी लफ्ज है ये खाड़. हाँ, मतलब नहर में से खाल छोटा जो होता है ना वो, उसमें पानी जाता है. तो उसके लिए मेरे ख्याल में क्या ट्रिब्यूटरी मे नॉट बी द राइट वर्ड. एक्चुअली जो मैंने तहकीक की, आई थिंक इरिगेशन डिच इज द राइट वर्ड. डिच से मुराद ये नहीं होता जो पानी खड़ा है, पानी जो चल भी रहा है उसके लिए भी. इसको आप गूगल करके देख सकते हैं, कोटेशन मार्क्स में रखिए इरिगेशन डिच, और उससे कहिए कि आपको ना वो उसका इमेज भी दिखाए कि इरिगेशन डिच क्या होती है. अच्छा जी, और मुजारईन के लिए ब्रिटिश इंग्लिश में कोई वर्ड नहीं है. मुजारईन को शेयर क्रॉपर कहते हैं अमेरिकन इंग्लिश में. या यानी आपकी ज़मीन है, आप खुद काश्त नहीं कर सकते, कोई और जॉब करते हैं कुछ और. तो एक बंदा कहता है जी मुझे दे दें तो मैं आपको 50% जो है ना क्रॉप वो दे दिया करूँगा. सो बिल्कुल सही एग्जैक्ट लफ्ज़ जो है ना मज़ारे का वो शेयर क्रॉपर है. अच्छा जी, खुद साख्ता, मज़हब के खुद साख्ता ठेकेदार, ये लफ्ज़ भी बहुत कन्फ्यूज़ करता है लोगों को. जनरल मुशर्रफ ने एक दफ़ा कहा था कॉन्ट्रैक्टर्स ऑफ रिलीजन, विच इज़ अब्सर्ड ट्रांसलेशन. इट डज नॉट कन्वे द सेंस कि जिस सेंस में आप ये कह रहे हो मज़हब के खुद साख्ता ठेकेदार. सो क्या कहेंगे जी, आपका नाम क्या है? अहमद. माय नेम इज अहमद निसार. हाँ, तो क्या कहेंगे मजहब के खुद साख्ता ठेकेदारों को? आई कैन से देम दैट दे आर डिल्यूडर्स. डिल्यूडर्स, डिल्यूडर्स. अब वो तो खैर थोड़ा सा दूर चली जाएगी ना बात. यस, रिलीजियस डिल्यूडर्स. तो इसमें जो है ना, आई थिंक इफ यू वांट टू कन्वे दिस, और बहुत दूर ना भी भटकना भी नहीं चाहते, तो आप ये कह सकते हो डोंट फॉल फॉर दीज सेल्फ स्टाइल्ड गार्डियंस ऑफ रिलीजन. सेल्फ स्टाइल्ड खुद साख्ता और गार्डियंस ऑफ रिलीजन. तो यू विल कन्वे द सेंस जो इस फिक्रे में है. अच्छा जी, सियासी जलसा, इसको क्या कहेंगे? जलसे को क्या कहते हैं? पॉलिटिकल रैली. हमारा मीडिया सारा कंफ्यूज होता है इस पे. रैली जो है ना वो जुलूस को समझते हैं. हाँ, वो प्रोसेशन होता है. रैली इज जलसा एंड प्रोसेशन इज जुलूस. और जियो समेत जो है ना सारे वो रैली कह रहे होते हैं जुलूस को, यू नो. अच्छा जी, आगे कुछ और लफ्ज़ हैं
इसमें से जो है हम कुछ मेरा ख्याल छोड़ सकते हैं, मसलन एक लफ्ज है नरम गोशा, क्या कहते हैं इसको हमारे यहाँ, सॉफ्ट कॉर्नर. एक्चुअली नेटिव स्पीकर्स वुड नॉट से सॉफ्ट कॉर्नर, दे वुड से सॉफ्ट स्पॉट. ही हैज अ सॉफ्ट स्पॉट फॉर दिस कंपनी और दिस पर्सन, यू नो. अच्छा जी, स्टेज सेक्रेटरी का जो लफ्ज है, इट साउंड्स इंग्लिश बट एक्चुअली स्टेज सेक्रेटरी इज नॉट एन इंग्लिश फ्रेज. स्टेज सेक्रेटरी, नो, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट इज डिफरेंट. सेक्रेटरी ऑफ स्टेट तो जैसे अमरीका में है, वजीर खारजा को कहते हैं. हाँ, ये जो ना स्टेज सेक्रेटरी वो होता है जो मुकर्रीन को जलसा हो रहा है, जैसे द पर्सन हु इंट्रोड्यूसेस द स्पीकर्स, कि अब फलां आएंगे वो तकरीर करेंगे, अब फलां आएंगे वो तकरीर करेंगे. सो स्टेज सेक्रेटरी इज नॉट द राइट वर्ड फॉर दैट. इसके लिए लफ्ज है एमसी. एमसी मैंने कहीं यहां पे लिखा था, ईएम, ईएमसीई, यू नो. एक्चुअल वर्ड जो है ना वो है मास्टर ऑफ सेरेमनीज. तो अमरीकियों ने उसको शॉर्ट करके एमसी कर दिया. एमसी इज यूज बोथ एज अ नाउन एंड एज अ वर्ब. अच्छा जी, गोदाम के लिए क्या लफ्ज यूज होता है हमारे यहां, स्टोर हाउस, या एक और लफ्ज भी होता है वेयर हाउस, है ना, सही लफ्ज. लेकिन हमारे यहां होता है गो डाउन. Have you heard this word, go down? That is not the right word. So, warehouse is the right word. Go down, अगर बोलेंगे ना किसी अमरीकी से या किसी ब्रिटिश से, तो वो नहीं समझ आएगी उसको कि क्या आप कह रहे हो ना. अच्छा जी, एक और, आफत ज़दा इलाका, जैसे कहीं जलजला आ जाए, कहीं फ्लड आ जाए, तो गवर्नमेंट जो है ना उस इलाके को आफत ज़दा इलाका डिक्लेयर कर देती है, यानी उसको टैक्स वगैरह में छूट मिल जाती है, लोगों की इमदाद होती है. तो हमारे अखबार जो है ना इसके लिए लफ्ज़ यूज़ करते हैं, जो फ्रेज़ यूज़ करते हैं वो है कलेमिटी हिट एरिया, विच इज़ एक्चुअली नॉट वेरी गुड इक्विवेलेंट. इसके लिए बेहतर लफ्ज़ है डिज़ास्टर एरिया. जैसे आई थिंक 2004 में द गवर्नमेंट हैड डिक्लेयर्ड थरपारकर अ डिज़ास्टर एरिया. अब आप देखिए अखबारों में तो ये होता है कि छोटे से छोटा वर्ड चाहिए होता है, स्पेशली इन द हेडलाइन. अब कलेमिटी हिट कितने लेटर्स हैं, सो कंपेयर इट टू डिजास्टर, या डिजास्टर एरिया. अच्छा जी, जॉगर्स किसको कहते हैं. अब जॉगर जो है, आप डिक्शनरी देखेंगे ना, तो जॉगर का मतलब है जॉगिंग करने वाला, नॉट दिस शूज दैट यू वेयर. ट्रेनर्स कहते हैं ब्रिटिश इंग्लिश में, और अमेरिकन इसको कहते हैं स्नीकर्स. अच्छा जी, आगे जो है हम लोग यूज करते हैं लेट का लफ्ज, जैसे लेट भुट्टो. किस किस सेंस में यूज करते हैं लेट, मरहूम के सेंस में. एक्चुअली लेट डज नॉट मीन दैट. जो सही फ्रेज है वो है द लेट. द लेट भुट्टो वॉज द प्राइम मिनिस्टर इन द 70s. तो लेकिन उसमें प्रॉब्लम ये है कि लेट का या द लेट का मतलब मरहूम नहीं होता. द लेट मीन्स रिसेंटली डिसीज्ड, जिसका हाल ही में इंतकाल हुआ है. सो समबडी हु डाइड 50 ईयर्स अगो, 60 ईयर्स अगो, 70 ईयर्स अगो इज नॉट रियली द लेट इन दैट सेंस. सो जो मरहूम की सेंस है ना, उसके लिए प्रॉबेबली द बेटर फ्रेज वुड बी RIP, रेस्ट इन पीस, नाम के बाद जैसे लिखा होता है या कतबे पे RIP, वो मरहूम के करीब एक बन सकता है, रेस्ट इन पीस. अच्छा जी, इसमें से आप देखिए, और हमारे यहाँ एक लफ्ज़ यूज़ होता है ये डबल जॉबर, दो जॉब जो बंदा करता है. व्हाट इज़ द प्रॉपर इंग्लिश फ्रेज फॉर दैट, इंग्लिश वर्ड फॉर दैट? मूनलाइटिंग, एग्जैक्टली. और ये भी अमेरिकनिज्म है, अमेरिकन वर्ड है ये. सो इन ब्रिटिश इंग्लिश देयर इज नो वर्ड फॉर दिस. पाकिस्तानियों ने डबल जॉबर बना लिया. सो अगेन अ ब्रिटिश पर्सन मे अंडरस्टैंड मून लाइटर बट नॉट डबल जॉबर, यू नो. अच्छा जी, आगे क्या है,
स्पीड ब्रेकर जिसको हम कहते हैं, what would a native speaker say? स्पीड बम्प. अच्छा जी. और ये एक बड़ा वो है, सेवरल का लफ्ज हम बहुत गलत इस्तेमाल करते हैं. सेवरल, वी थिंक इट इज अ सिनोनिम फॉर मैनी. सेवरल डज नॉट मीन मैनी. सेवरल मीन्स मोर देन टू बट नॉट मैनी. अगर आप ज्यादा की बात कर रहे हैं तो यूज द वर्ड मैनी या न्यूमरस. बट ही हैज रिटन न्यूमरस बुक्स. आप ये डिक्शनरी में किसी में भी जाके देखेंगे ना, वो कहेंगे कि सेवरल मीन्स मोर देन टू बट नॉट मैनी. मैक्सिमम लिमिट तीन. थ्री फॉर एग्जाम्पल, यू नो ही हैज रिटन सेवरल बुक्स. तीन मे बी चार. बट इफ यू से ही हैज रिटन न्यूमरस बुक्स, दैट वुड मीन मे बी 15, 20, 50 किताबें लिखी हों उसने. सो यू हैव टू बी केयरफुल. अच्छा जी. अब ये देखिए, ओवर स्पीडिंग का लफ्ज भी नेटिव स्पीकर्स यूज नहीं करते. दे वुड जस्ट से स्पीडिंग, यू नो. सो प्रीपोन जो लफ्ज है ये इंडियंस बहुत यूज करते हैं. बीच में से मैं छोड़ रहा हूं ताकि हम जो है ना लेट ना हो जाए. प्रीपोन जो है इंडियंस ने लफ्ज बनाया है एज अपोज टू पोस्टपोन. आई वॉन्ट टू प्रीपोन माई फ्लाइट. पोस्टपोन का अपोजिट है प्रीपोन. मतलब अगर मेरी फ्लाइट रात को 10 बजे है और मैं चाह रहा हूँ कि मैं 2 बजे की फ्लाइट पे चला जाऊँ, तो आई एम ट्राइंग टू प्रीपोन इट. यस. सो दैट इज अ टिपिकल इंडियनिज्म. इंडियन वर्ड है ये. और वॉल चॉकिंग क्या होती है ये पता है आपको? मेकिंग हाँ. एक्चुअली ये भी अंग्रेजी लफ्ज नहीं है. यू विल बी सरप्राइज्ड. हमने बना लिया है वॉल चॉकिंग, बट इट्स नॉट एन इंग्लिश वर्ड. अंग्रेजी का जो लफ्ज है इसके लिए वो ग्रेफिटी है. सो बी केयरफुल व्हेन यू आर टॉकिंग टू अ नेटिव स्पीकर, डोंट यूज वॉल चॉकिंग. ही और शी मे नॉट अंडरस्टैंड कि आप क्या बात कर रहे हो. सो इसमें जो है ना, मैं एक बड़ी इंटरेस्टिंग मिसाल आपको देना चाह रहा हूँ. ऑक्सफर्ड इंग्लिश उर्दू डिक्शनरी, उसने ओकरा का मतलब जाके आप देखें ना वहाँ पे, तो एक गोरख धंधा बना दिया उसको. इसलिए है कि वो कंपाइल करने वाले को ये नहीं पता था कि ओकरा भिंडी को कहते हैं. उसने जो सारी डेफिनेशन दी हुई थी ना वहाँ, उसका उर्दू में तर्जमा कर दिया विदाउट यूजिंग द वर्ड भिंडी. अब देखिए क्या लिखा है इसने. ख़त्मी खबाजी के ख़ानदान का अफ्रीकी पौधा जिसमें लंबी खानेदार फलियाँ लगती हैं. दूसरा जो है इसकी डेफिनेशन क्या दी, उसकी दानेदार फलियां जो तरकारी के तौर पर खाई जाती हैं और सूप और शोरबे को गाढ़ा करने के लिए डाली जाती हैं. यानी आप देखिए कि एक लफ्ज़ भिंडी से ये सारी मुसीबत जो है टल सकती थी. सो सिंस दीज पीपल डिड नॉट नो, तो लंबी चौड़ी उसमें गोरख धंधे में फंस गए हो ना. इसी तरह से कुछ और भी उसने इस तरह के तर्जुमे किए. मसलन ट्रिलियन, ट्रिलियन का तर्जुमा उसने किया खरब. ट्रिलियन इज नॉट वन खरब बट 10 खरब. फॉल्स मॉडेस्टी, फॉल्स मॉडेस्टी का तर्जमा उन्होंने जाली कसरे नफसी के बजाय वो किया बनावटी पाक दामनी. कैन यू स्पॉट एनी प्रॉब्लम विद दिस, विद दीज सेंटेंसेस? जी डॉक्टर साहब. सॉरी, द एक्यूज्ड. अच्छा. और हाँ हाँ, एविडेंस इज सिंगल आएगा. हाँ हाँ, ओके चलें. ये डॉक्टर साहब क्यों दें जी जरा माइक. इसमें डू यू नीड मोर इंफॉर्मेशन होगा. सिंगल नहीं, ऊपर ऊपर वाला. The police has collected a lot of evidences against accused. इसमें I stand with him कि वो evidence होगा और accused. अच्छा, इसमें दो तीन problems हैं. एक तो ये है कि police के साथ has नहीं लगता, you know, have लगता है. और ये हमारे अखबारात भी काफी गलती करते हैं. So इसको इस तरह से करना पड़ेगा कि the police have collected a lot of evidence. ये s जो है वो extra है. Evidences is a totally wrong word. हमारे मीडिया में काफ़ी लोग इस्तेमाल करते हैं ये. अगेंस्ट द अक्यूज्ड,
ठीक है जी। आगे है ये, डू यू नीड मोर इंफॉर्मेशन अबाउट दी स्टेट ऑफ द आर्ट इक्विपमेंट्स, इसमें बताइए क्या खराबी है डॉक्टर साहब? इसमें इंफॉर्मेशन और इक्विपमेंट दोनों प्लूरल लिखे हुए सिंगुलर होने चाहिए। यस, ये कुछ लफ्ज ऐसे होते हैं जो कि जिनके साथ एस लगाने की जरूरत नहीं होती, जो गलत होता है। सो और ये जो स्टेट ऑफ द आर्ट है ना, इसको कैपिटल करने की जरूरत नहीं होती, एस और ये ए, और इनके दरमियान में हाइफन होता है, स्टेट ऑफ द आर्ट, इसका मतलब होता है लेटेस्ट, मोस्ट एडवांस्ड। सो ये इस तरह से हो जाएगा, डू यू नीड मोर इंफॉर्मेशन अबाउट दिस स्टेट ऑफ द आर्ट इक्विपमेंट। आगे क्या है जी, हिज इलिटरेट आर्ग्यूमेंट्स वर ट्रूली शॉकिंग, इसमें क्या खराबी है? इलिटरेट आर्ग्यूमेंट वाज, आर्ग्यूमेंट सिंगुलर होगा उसके बाद वाज आएगा? नहीं, आर्ग्यूमेंट्स तो प्लूरल भी हो सकता है, लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये है कि आर्ग्यूमेंट्स आर नॉट इलिटरेट, इग्नोरेंट हो सकते हैं। हिज इलिटरेट नहीं, हिज इग्नोरेंट आर्ग्यूमेंट्स वर ट्रूली शॉकिंग, और ये तीन जो है ना साइंस ऑफ एक्सक्लेमेशन, दिस इज वेरी स्लॉपी राइटिंग, देयर इज एब्सोल्युटली नो जस्टिफिकेशन फॉर 2, 3, 4, 5 क्वेश्चन मार्क्स और एक्सक्लेमेशन मार्क्स, एक ही होना चाहिए ये। हमारे यहाँ लोग ना फेसबुक पे ये वो बाजू का सारा लेटर वो कैपिटल में करेंगे मैसेज, या फिर ये 4, 4, 5, 5 साइंस ऑफ एक्सक्लेमेशन या क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। सो दिस इज नॉट ऑन, वन एक्सक्लेमेशन मार्क इज इनफ, वन क्वेश्चन मार्क इज इनफ। अच्छा, सिंस व्हेन आर यू वर्किंग हियर, तुम कब से यहाँ काम कर रहे हो? जी, सिंस व्हेन यू हैव बीन वर्किंग हियर, अच्छा इसको थोड़ा सा हम चेंज करें, अगर ये होना चाहिए हाउ लॉन्ग हैव यू बीन वर्किंग हियर। हाउ लॉन्ग का इस्तेमाल हम कम करते हैं, हाउ लॉन्ग हैव यू बीन वर्किंग हियर, हाउ लॉन्ग हैव यू बीन स्टडीइंग हियर। अच्छा जी, दिस गो डाउन मस्ट हैव कॉस्टेड हिम एट लीस्ट 5 to 10 करोड़ रुपीज। जी अच्छा, ये जो ना रुपीज, आर एस जब लिखते हैं ना, अगरचे वो शुरू में होता है लेकिन वो प्रोनाउंस बाद में होता है, यू नो। और इसमें प्रॉब्लम पता क्या है, दो तीन प्रॉब्लम्स हैं इस फिक्रे में। एक तो वही कि गो डाउन इज नॉट यूज बाय नेटिव स्पीकर्स, तो आप कहेंगे वेयर हाउस, और कॉस्टेड गलत है, कॉस्ट, यू नो। और फिर देखिए एटलीस्ट जब आ गया ना, एटलीस्ट के बाद दो फिगर मत यूज करें। इसी तरह से जब आपने कह दिया तकरीबन या अबाउट, उसके बाद दो फिगर्स ना यूज करें। जैसे हम कह देते हैं मैं 5-10 मिनट में आता हूं, अब दिस इज वेरी बैड कम्युनिकेशन। 5 और 10 में 100% का डिफरेंस है। आप ये कह दें यार मैं 5 मिनट में आता हूं, या मैं तकरीबन 10 मिनट में आता हूं, ये नहीं कि मैं तकरीबन 10-15 मिनट में आऊंगा। तकरीबन जब आपने कह दिया तो एक फिगर, इसी तरह से एटलीस्ट के बाद एक फिगर। सो और 5 करोड़ का मतलब है 50 मिलियन। सो यूं हो जाएगा, दिस वेयर हाउस मस्ट हैव कॉस्ट हिम एटलीस्ट 50 मिलियन रुपीज। अच्छा जी, अच्छा इसमें क्या खराबी है जी, ये जो सेंटेंस है, अकॉर्डिंग टू बाइबल गॉड क्रिएटेड यूनिवर्स, द यूनिवर्स इन 6 days। द बाइबल, द बाइबल, आगे एंड देयर मस्ट बी अ कॉमा। यस, जहां पे भी ये अकॉर्डिंग टू वाली फ्रेज आती है, यू नीड टू हैव, यू नीड टू यूज अ कॉमा। अकॉर्डिंग टू द बाइबल गॉड क्रिएटेड द यूनिवर्स, यूनिवर्स का यू बड़ा होगा। हमारे यहाँ पता नहीं क्या रवाज है कि हर चौथा लफ्ज कैपिटल कर देते हैं हम, कैपिटलाइज जिसको कहते हैं, या अपर केस। सो यू हैव टू हैव अ गुड रीजन टू कैपिटलाइज इट, बिला वजह कैपिटल करने की कोई तुक नहीं होती। और उसमें अगर आप इकोनॉमिस्ट मैगजीन देखें, उनका स्टाइल है मिनिमम कैपिटलाइजेशन का, और हमारे लाइब्रेरी में आता है इकोनॉमिस्ट, उसको देखिएगा, इट इज़ प्रॉबेबली द बेस्ट ब्रिटिश मैगजीन, न्यूज़ मैगजीन। सो उनकी स्टाइल शीट भी है, जितने भी अच्छे इदारे हैं दे ऑल हैव देयर ओन स्टाइल शीट्स। न्यूयॉर्क टाइम्स फॉर एग्जाम्पल, दे हैव देयर ओन स्टाइल शीट, US न्यूज़ एंड वर्ल्ड रिपोर्ट, दे हैव देयर ओन स्टाइल शीट। सम ऑफ दी स्टाइल शीट्स आर अवेलेबल एट अ प्राइस, यू कैन बाय दीज, कुछ ऑनलाइन भी अवेलेबल हैं। फिर जो लोग थीसिस लिखते हैं MSc का, MPhil का, PhD का, उनके लिए भी अलहदा गाइडलाइंस, एक बुक्स मौजूद हैं, शिकागो मैनुअल ऑफ स्टाइल एक है, उसमें बहुत डिटेल्ड गाइडेंस है उसमें।
अच्छा ये देखिए कि ये जो है ना यूनिवर्स का यू छोटा होगा और सिक्स जो है ना ये इसको SIX डेज लिखिए। इसमें जो गाइडेंस है ना वो ये है कि 9 तक आप उस तरह लिख दें, स्पेल आउट कर दें, जब 2 बन जाते हैं वो 10, 11, 12 उसके बाद फिर फिगर में देना शुरू कर दें, यू नो, यानी अगर 55 है तो उसको फिर स्पेल आउट ना करें, 5 लिख दें और वो ठीक हो जाएगा। हिज ग्रेट अंकल रोट स्कोर्स ऑफ क्रिटिकली अक्लेम्ड बुक्स अबाउट अमेरिकन सिविल वॉर। जी ग्रेट अंकल का पता क्या होता है? ग्रेट अंकल का मतलब है आपके पेरेंट्स, आपके फादर या मदर के अंकल, मतलब आपके दादा का छोटा भाई या बड़ा भाई, वो आपका ग्रेट अंकल है। द ग्रेट अंकल शुड बी ग्रैंड अंकल देन। हां ग्रैंड अंकल, ग्रैंड नहीं, ग्रेट, ग्रेट इज द स्टैंडर्ड फ्रेज दैट इज यूज्ड इन इन इंग्लिश। अच्छा जी आगे On, अच्छा ऑन या अबाउट भी ठीक है, लेकिन इसमें डेफिनेट आर्टिकल भी आएगा। डेफिनेट आर्टिकल क्या होता है? दी या दा, दी। अच्छा इसमें एक और जो है, ये जो चीज है हाल ही में मैंने सीखी कि जो इस तरह से मॉडिफायर बनता है ना, यानी एल वाई है जो वाई के साथ, उसमें हाइफन नहीं आता। दिस इज व्हाट आई लर्न्ड रिसेंटली। सो क्रिटिकली अक्लेम अलग अलग होगा। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस की मैंने एक किताब देखी, उसमें भी उन्होंने हाइफनेट किया हुआ था न्यूली फॉर्म्ड गवर्नमेंट या न्यूली इलेक्टेड गवर्नमेंट, उसमें हाइफन नहीं आता। डू यू नो दिस पर्सन? अगेन इंटरनेशनल रिलेशंस, ही वाज़ द प्रेसिडेंट ऑफ चिले बिफोर द कुप डिटा हैपेंड। या एग्जैक्टली, ही वाज़ अ मेडिकल डॉक्टर और ये कहते हैं कि ही वाज़ द फर्स्ट डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड मार्क्सिस्ट लीडर चिली में, और उनके खिलाफ जो कू हुआ ये वही है डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड, इसमें हाइफन नहीं आएगा और अलग अलग होगा ये स्पेस, और ओवरथ्रोन बाय जनरल पिनोशे। इनको सेल्वाडोर आयंदे बोलते हैं। अगेन स्पेनिश जो लैंग्वेज है ना उसमें ये डबल एल जो है ना, इट इज नॉट प्रोनाउंस्ड एज एल बट आई, आयंदे, और ये पिनोशे है द मिलिट्री जनरल हु ओवरथ्रू हिम। और मिलिट्री कू में भी कैपिटल करने की जरूरत नहीं है, एम और सी जो है ना ये लोअर केस होना चाहिए। और मजे की बात है, ये देखिए क्या सितम जरीफी है कि 9/11 को अमेरिका पे अटैक हुआ, यू नो, और ये 9/11 था चिली का, और इसमें वो ब्लेम करते हैं कि अमेरिकन्स प्लेड अ रोल इन ब्रिंगिंग अबाउट दिस मिलिट्री कू। अमरीकी ये कहते हैं जी हमने किया नहीं, लेकिन हमें पता था कि होने वाला है ये, यू नो। सो अच्छा जी, यू शुड अवेल दिस अपॉर्चुनिटी, ये हमारे बहुत यूज होता है लेकिन ये पूरी फ्रेज इस तरह से नहीं है, यू शुड अवेल योर सेल्फ ऑफ दिस अपॉर्चुनिटी। इसके बजाय आप ये कह सकते हैं यू शुड ग्रैब दिस अपॉर्चुनिटी, यू शुड मेक द मोस्ट ऑफ दिस अपॉर्चुनिटी, क्योंकि ये कड़ा मुश्किल सा वर्ड बन जाता है, फ्रेज बन जाती है, यू शुड अवेल योर सेल्फ ऑफ दिस अपॉर्चुनिटी। हाँ ग्रैब कर दें, यस। आगे है जी, kindly give us your feedbacks on this report before or on Wednesday. Or on should be removed. It's just before Wednesday. By Wednesday. By. By. That is very useful word. और ये देखिए native speakers जो है ना kindly का लफ्ज use नहीं करते जितना India Pakistan में ये use होता है ना kindly. They would just say please. So इसको आप यू कर सकते हैं, please give your feedback, not feedbacks, और F छोटा होगा ये, on this report, इसका R भी छोटा होगा, और by Wednesday, यानी Wednesday को या उससे पहले दे दें। और आगे है जी, these amendments in the blasphemy law were made in 1990s. इसमें क्या खराबी है? In the 1990s, definite article जो है, I hope you know what is definite article. The या the. उसका प्रोनंसिएशन भी डिपेंड करता है उसके बाद कौन सा लफ्ज आ रहा है। मसलन एक हम ट्रेनिंग कर रहे थे लाहौर में, तो ब्रिटिश था वो ट्रेनर, तो मेरे एक साथी से पूछता है व्हाट पेपर डू यू वर्क फॉर, उसने कहा सर आई वर्क फॉर द नेशन, तो उसने बड़े सटल तरीके से उसकी करेक्शन की, आई सी यू वर्क फॉर द नेशन, यानी एन आ रहा ना उसके आखिर में आगे जो लफ्ज आ रहा है, सो इट इज नॉट द नेशन बट द नेशन।
जैसे द टाइम्स ऑफ लंदन, द टाइम्स, द इंडिपेंडेंट. सो यू हैव टू बी केयरफुल के हाउ यू प्रोनाउंस द आर द. सो दीज अमेंडमेंट्स, अमेंडमेंट टू होता है. दीज अमेंडमेंट्स टू द ब्लास्फेमी लॉ वर मेड. ब्लास्फेमी लॉ का भी कैपिटल करने की जरूरत नहीं है. इन द 1990s, ठीक है जी. हिज कंप्लेंट हैज बीन डिस्पोज्ड ऑफ बाय द कंसर्न डिपार्टमेंट. एक तो यह है कि इसको ना कंसर्न का लफ्ज भी बहुत यूज होता है हमारी ब्यूरोक्रेसी में. सो दिस इज नॉट द राइट वे टू एक्सप्रेस इट. और डिस्पोज्ड ऑफ में सिंगल एफ आएगा. तो इसको आप एक्टिव वॉइस में अगर करें तो आप ये कह सकते हैं द रेलिवेंट डिपार्टमेंट हैज डिस्पोज्ड ऑफ हिज कंप्लेंट. द रेलिवेंट डिपार्टमेंट. अच्छा जी, डॉक्टर तारिक रहमान इज वन ऑफ द बेस्ट एकेडमिशियन इन पाकिस्तान. इसमें क्या खराबी है? अच्छा, एकेडमिशियन जो है ना, एकेडमिशियन इज अ सोवियत वर्ड बेसिकली. वहां पे एक थी एकेडमी ऑफ साइंसेस, तो उसमें बड़ा मुश्किल से मेंबरशिप मिलती थी. बहुत अच्छे आपके क्रेडेंशियल्स हों ये वो. सो मेनी अदर कंट्रीज ऑल्सो स्टार्टेड यूजिंग दिस वर्ड. हाँ, वन ऑफ द बेस्ट जब कह दिया तो वन के बाद फिर प्लूरल आएगा. सो यू हो जाएगा डॉक्टर तारिक रहमान इज वन ऑफ द बेस्ट एकेडमिक्स इन पाकिस्तान. एकेडमिक्स, एकेडमिक का मतलब है समबडी हु इज अ सीनियर प्रोफेसर, टीचर्स एट यूनिवर्सिटी और कॉलेज, तो उसको एकेडमिक कहेंगे. अच्छा जी, राजा स्पीक्स अप्रिशिएबल इंग्लिश एंड फ्रेंच. इसमें क्या खराबी है? अप्रिशिएबल का मतलब काबिल तारीफ नहीं होता. सो हमने जो ना काबिल तारीफ के सेंस में ये बना लिया. अप्रिशिएबल का मतलब होता है नोटवर्दी. जैसे देर हैज बीन एन अप्रिशिएबल चेंज इन द वेदर. सो और फिर ये जो है ना, इसको देखिए कि ये एंड जो है ना, ये इट शुड नॉट बी यूज्ड. इसको एम्परसैंड कहते हैं. इट शुड बी अवॉइडेड लाइक द प्लेग. इट शुड बी यूज्ड ओनली इन कंपनी नेम्स, जैसे जॉनसन एंड जॉनसन है, वो इस तरह लिखते हैं अपना नाम. बट इन रनिंग टेक्स्ट, जब आप कुछ लिख रहे हैं, कोई असाइनमेंट कर रहे हैं, कोई थीसिस लिख रहे हैं, तो डोंट यूज एम्परसैंड, द एम्परसैंड, यू नो. सो ये हो जाएगा राजा स्पीक्स कमेंडेबल इंग्लिश एंड फ्रेंच. अच्छा जी, नाउअडेज ही कमिट्स लेस मिस्टेक्स. आई मेट हिम फ्यू आवर्स अगो. इसमें दो तीन खराबियां हैं. क्या है वो? जी, हाइफन्स कहते हैं इनको. हाइफन्स नहीं आते नाउअडेज में. इट इज रिटन एज वन वर्ड. ही कमिट्स के बजाय, कमिट जो है ना नहीं यूज करते नेटिव स्पीकर्स, दे वुड से मेक्स. ठीक है जी. He makes fewer mistakes. Fewer mistakes. I met him a few hours ago. A few. ये ए नहीं हम लगाते अक्सर, ये a few hours. As you probably know, Ali is thinking to buy a 0-meter SUV. इसमें क्या खराबी? SUV होती है sports utility vehicle, Pajero type गाड़ी जो है. तो क्या खराबी है जी इसमें? हाँ, यहाँ पे कॉमा आएगा. As you probably know, comma, Ali is thinking of buying a brand new SUV. 0 meter का लफ्ज भी हमारे यहाँ यूज होता है. So native speakers would say brand new. अच्छा जी, both the countries are committed to resolving their differences through parleys. Parleys is a very old fashioned word. और ये जो है ना, da की जरूरत नहीं है यहाँ पे. Both the countries. Just say, both countries are committed to resolving their differences through talks. Sir, ye to resolving. To resolving. Sir, ye infinitive hai na? Ye actually yahan pe aata hai, isko kehte hain gerund. Jaise hum kehte hain, khat ke aakhir mein likhte hain, I look forward to hearing from you soon. Ya, I look forward to hearing from you at your earliest convenience. Jaise दे आर बिल्डिंग अ बिल्डिंग, जो सेकेंड वाली बिल्डिंग है वो जेरेंड है. जी कहाँ पे स्टार्ट में? द बोथ कंट्रीज. नहीं नहीं नहीं, बोथ कंट्रीज बस. सर क्योंकि वो स्पेसिफिक किया जा रहा है ना कंट्रीज को, कि एक दो स्पेसिफिक कंट्रीज हैं, तो आर्टिकल दा के बगैर कैसे स्पेसिफिक हो सकेगा? बोथ कंट्रीज.
बोथ कंट्रीज आर, मतलब दा की जरूरत ही नहीं है यहाँ पे, इसको आप गूगल करके देखिए या चैट जीपीटी पे लिखिए, इज दिस अ करेक्ट सेंटेंस, ओके, तो चैट जीपीटी और बार्ड भी है एक ऑप्शन, उसमें आपको काफी अच्छी गाइडेंस मिल जाती है। ग्रामरली भी है, ग्रामरली आप सब्सक्राइब कर सकते हैं उसका इनिशियल वर्जन फ्री में, दैट ऑल्सो करेक्ट्स यू, लेकिन जो स्पेसिफिक फिक्रे हैं जो आपके जेन में है, आप चेक करना चाह रहे हैं कि ये ग्रामेटिकली करेक्ट है या नहीं, तो यू कैन पुट इट इन चैट जीपीटी और ऊपर लिखे हैज दिस सेंटेंस या हैज दिस पैसेज बीन रिटन इन करेक्ट इंग्लिश, सो डज दिस सेंटेंस नीड एनी करेक्शंस आर इम्प्रूवमेंट्स, तो वो काफी अच्छी आपको ऑप्शंस देगा उसमें। समटाइम्स इट आल्सो प्रोवाइड्स रॉन्ग गाइडेंस, उसमें आप खुद कह भी सकते हैं आई थिंक यू आर रॉन्ग हियर, तो वो फिर आपका शुक्रिया भी अदा करेगा, ठीक है, कि थैंक्स फॉर करेक्टिंग मी, ये वो। सो मतलब जो मेरी रिसर्च है ना यहाँ पे, इट इज सुपरफ्लूअस, टोटली सुपरफ्लूअस, और ये रिजॉल्विंग है, जैसे द गवर्नमेंट इज कमिटेड टू अलिविएटिंग ग्राइंडिंग पॉवर्टी। अच्छा जी, व्हाट इज योर क्वालिफिकेशन, ये बड़ा लफ सुनने को मिलता है फिकरा, सो दिस इज नॉट करेक्ट इंग्लिश, प्लूरल में होता है ये, व्हाट आर योर क्वालिफिकेशंस, what are your legal qualifications, what are your medical qualifications, yeah, acha ji, academic qualifications, I know Mr. Mushahid for over 30 years, isme kya kharabi hai, over 30 years, acha isme do problems hain, ek to hoga I have known Mr. jo hai na first name ke sath nahi lagta, this is what I learnt in England, हमारे यहाँ पहले नाम के साथ ही मिस्टर लगा देते हैं लोग, सो मिस्टर शुड बी यूज विद अ फैमिली नेम, यू नो, या फुल नेम लिखें फिर। आई हैव नोन मिस्टर मुशाहिद हुसैन सैयद फॉर ओवर 30 इयर्स, या मिस्टर हटा दें, फर्स्ट नेम मुशाहिद चल सकता है, यू नो। अच्छा जी, विद द ग्रेस ऑफ गॉड आई हैव कन्विंस मिस्टर विलियम टू एक्सेप्ट माई ऑफर। अब उस बंदे का पूरा नाम है विलियम स्मिथ, so you should use Mr. Smith, you know, या पूरा नाम use करें या Mr. Smith, or by the grace of God होता है ये, you know, not with the grace of God, और दूसरा जो है ना convince का और persuade का फर्क जो मैंने economist की style sheet से सीखा वो ये है कि persuade आप करते हैं किसी को कुछ आगे करने के लिए, I persuaded him to buy this book, लेकिन convince जो है I am convinced that you are telling the truth. आगे कोई action नहीं है उसमें। अच्छा जी, why don't you apply this principle on you? Principle के spelling एक तो problematic है। Why don't you apply this principle to yourself? ठीक है जी। और the federal government is committed to alleviating grinding poverty. और federal government को ये स्टाइल का भी इशू है, कुछ अखबारों का हो सकता है स्टाइल हो कि हमें फेडरल गवर्नमेंट को कैपिटल ही करना है वरना फेडरल गवर्नमेंट वाले नाराज हो जाएंगे, सो वरना बहुत सारे जो ऑर्गेनाइजेशन हैं इकोनॉमिस्ट फॉर एग्जांपल, दे वुड नेवर कैपिटलाइज फेडरल गवर्नमेंट, एफ और जी बड़ा नहीं करेंगे वो। ब्रायन स्टेल्टर स्टार्टेड हिज करियर एट द CNN एज एन अनपेड इंटर्नी, इसमें क्या खराबी है? यस, इट शुड बी लोअर केस्ड, और इसमें एक और खराबी भी है कि CNN से पहले दी नहीं आता, ये डेफिनेट आर्टिकल नहीं आता, BBC से पहले आता है, ये भी थोड़ा सा मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन का मुख्तलिफ होता है, तो CNN का आप देखेंगे तो वो कभी दी CNN नहीं कहते, ये द CNN, तो अनपेड का यू छोटा हो गया, इंटर्न का आई छोटा हो गया, लेकिन इंटर्न ही नहीं है ये लफ्ज, बहुत सारे हमारे ऑफिस में ये गलत इस्तेमाल होता है, इंटर्न लफ्ज है, इंटर्नी मीन समबडी हु हैज बीन अरेस्टेड स्पेशली ड्यूरिंग वॉर, यस, जैसे सेकेंड वर्ल्ड वॉर में बहुत सारे जापानीज जो थे अमरीका में रहते थे उनको गिरफ्तार कर लिया गया था कि इनकी जो लॉयल्टीज हैं वो मशकूक होंगी, यू नो दे माइट साइड विद द जापानीज गवर्नमेंट, सो वो इंटर्नीज थे, तो ये जो है दिस इज इंटर्न। ये डॉन की एक हेडलाइन थी, एंट्री ऑफ 190 उलमा इन पिंडी डिवीजन ड्यूरिंग मुहर्रम बैंड, दिस इज नॉट अ वेरी गुड हेडलाइन आई टेल यू, इसके बजाय हेडलाइन में प्रिंसिपल ये होता है कि शॉर्ट से शॉर्ट होना चाहिए, तो इसका
बेहतर तर्जमा बेहतर जो हेडलाइन है इफ आई वर टू रीराइट इट आई वुड से 190 उलमा बैंड फ्रॉम पिंडी डिवीजन ड्यूरिंग मुहर्रम, यानी एंट्री का लफ्ज लगाने की जरूरत नहीं है उसमें. अच्छा जी, अच्छा ये देखिए, द अक्यूज्ड वाज अरेस्टेड ऑन द प्रेमिसेस ऑफ द कोर्ट, और आगे है ये 16 किल्ड इन मुंबई एक्सप्रेसवे मिसहैप, टाइम्स ऑफ इंडिया की हेडलाइन है ये. और आपको पता है कि टाइम्स ऑफ इंडिया इज द लार्जेस्ट सेलिंग इंग्लिश लैंग्वेज न्यूज़पेपर इन टर्म्स ऑफ प्रिंट सर्कुलेशन, और एक वक्त में इनकी सर्कुलेशन 30 लाख के करीब थी, अब थोड़ी कम हुई है, लेकिन अभी भी न्यूयॉर्क टाइम्स वगैरह से प्रिंट सर्कुलेशन उनकी ज़्यादा है. और न्यूयॉर्क टाइम्स आपको पता है कि इट इज़ कंसिडर्ड द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल न्यूज़पेपर इन द वर्ल्ड. तो इन्होंने गलती क्या की है, हालांकि इनका अपना स्कूल भी है, जब आप टाइम्स ऑफ इंडिया ज्वाइन करते हैं तो यू अटेंड दैट स्कूल टू लर्न द बेसिक्स, लेकिन यहाँ पे जो है ना गलती क्या है कि ये मिसहैप का जो लफ्ज है ना, मिसहैप डज नॉट मीन अ सीरियस एक्सीडेंट, इट मीन्स अ माइनर एक्सीडेंट. अब जिस एक्सीडेंट में 16 लोग मारे गए, दिस इज नॉट अ मिसहैप, क्रैश कह दें, क्रैश कह दें, एक्सीडेंट कह दें. अच्छा जी, अली टोल्ड दैट ही विल ज्वाइन. हाँ, इसमें दो प्रॉब्लम है, अली टोल्ड, अब टोल्ड के बाद जो है ना ऑब्जेक्ट आना जरूरी है, किसको बताया अली ने ना, अली टोल्ड मी, अली टोल्ड अस, इसी तरह से इन्फॉर्म के बाद भी ऑब्जेक्ट आना जरूरी है, ही इन्फॉर्म्ड अस, ही इन्फॉर्म्ड मी, द वर्ल्ड बैंक, इन अ फ्यू डेज, इन अ फ्यू, पहले हमने डिस्कस किया ना, हम ए निकाल देते हैं बीच में से, दिस डिपार्टमेंटल स्टोर विल रिमेन क्लोज फॉर अ कपल ऑफ डेज. हाँ, और ये देखिए डिपार्टमेंटल स्टोर नहीं होता, ये डिपार्टमेंट स्टोर होता है, तो हमने खामखा ए एल जो है ना ऐड कर दिया उसके साथ, विल रिमेन क्लोज्ड, क्लोज्ड फॉर अ कपल ऑफ डेज, ए भी जरूरी है वहां पे. द सब कमेटी हेल्ड अ थ्रेड बेयर डिस्कशन ऑन द इकोनॉमिकल सिचुएशन. अच्छा, सब कमेटी जो है ना, इट कैन बी रिटन एज वन वर्ड. If you check Oxford Dictionary or any other dictionary, so they write it as one word. और capital करने की ज़रूरत भी नहीं है इसको. The subcommittee held a threadbare. हम threadbare का लफ्ज़ use करते हैं, which is not right in this context. Threadbare होता है जैसे कालीन है, carpet है, बिल्कुल फट गया है, पुराना हो गया है. तो इसके बजाय if I were to rephrase it, I can rephrase it like this. The subcommittee discussed the economic situation thoroughly. ये भी डॉन की हेडलाइन है, 126 टिकटलेस पैसेंजर्स फाइंड. ये रेलवे में कभी कभी कैंपेन चलती होती थी कि जो बगैर टिकट के सफर करते हैं उनको जुर्माने किए जाएं, उनको गिरफ्तार किया जाए. अब ये देखिए कितनी बड़ी ये लफ्ज हैं, टिकटलेस पैसेंजर्स, यू नीड अ शॉर्ट वर्ड फॉर दिस, और ये शॉर्ट वर्ड मैंने इंग्लैंड में ट्रेन में बैठे हुए सीखा. एक हेडलाइन थी वहां ट्रेन में लिखा हुआ था, फेयर डॉजिंग इज अ क्राइम. तो आई थॉट दिस इज अ ग्रेट वर्ड, फेयर डॉजर क्यों ना कहा जाए इसको, एफ ए आर ई. सो ये होना चाहिए 126 फेयर डॉजर्स फाइंड. अच्छा जी, अपग्रेडेशन ऑफ पीटीडीसी मोटेल्स इन फुल स्विंग. अब अपग्रेडेशन जो है ना, और ये वर्ड भी यूज करने की जरूरत नहीं है, अपग्रेडेशन, अपग्रेड इज गुड इनफ. अपग्रेड ऑफ पीटीसी मोटेल्स इन फुल स्विंग. बंगलिंग क्या होती है? अच्छा, हमने जो है ना करप्शन के लिए बंगलिंग का लफ्ज इजाद कर लिया है, एक्चुअली दिस इज नॉट द राइट वर्ड. और ये खलीज टाइम्स में किसी पाकिस्तानी रिपोर्टर ने ये रिपोर्ट किया था. एक तो जब आप रुपीज लिखे ना, इसमें स्पेस की जरूरत नहीं होती है, साथ होना चाहिए, जैसे डॉलर साइन है उसके बिल्कुल साथ रकम लिखी होती है. अच्छा जी, बंगलिंग जो है ना, बंगलिंग इज नॉट अ सब्स्टिट्यूट, इज नॉट अ सिनोनिम फॉर एम्बेजलमेंट. बंगलिंग होता है इफ यू डू समथिंग क्लमजीली. ही बंगल्ड दिस अपॉर्चुनिटी, कि उसने खराब कर दिया, सही हैंडल नहीं किया. अच्छा जी, द म्यूजियम हैज अ वैरायटी ऑफ आर्टिफैक्ट, इसमें क्या खराबी है? Hmm?
सॉरी, ये जो आई ई हम डालते हैं ना, आई ई दैट इज, इससे पहले कॉमा जरूरी है. सो मैनी ऑफ आवर पीपल दे एक्चुअली रिमूव दैट कॉमा या दे डोंट पुट इट. तो अमेरिकन इंग्लिश में कॉमे दो चाहिए होते हैं यहाँ पे, यू नो, एक आई ई से पहले और एक बाद में. लेकिन मिनिमम ये है कि एक तो आप जरूर डालें, यू नो. नो, इट इज एट हियर एस आर्टिफैक्ट्स, यानी आई ई से पहले. अमेरिकन जो हैं दो कॉमे डालते हैं, एक पहले एक बाद में. जी जब हम मल्टीपल चीज़ों को लिखेंगे एक साथ, एक से ज़्यादा एग्जांपल, जैसे फैन इंजन, पॉटरी, स्ट्रक्चर एलिमेंट्स, तो हमें उसमें अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लाना होगा. नहीं, नहीं लाते तो कम से कम कैटेगरी वाइज ऑर्डर में हो. नहीं, आप देख रहे हैं इसमें नहीं है ये, उसमें नहीं है, अल्फाबेटिकल नहीं है, यू नो. आई डोंट थिंक, हाँ, आई डोंट थिंक देर इज एनी हार्ड एंड फास्ट रूल अबाउट दैट. लेकिन ये है कि आई ई जहाँ पे आता है ना, उससे कॉमा ज़रूर दें उससे पहले, यू नो. अच्छा जी, आई विल रीपे यू रुपीज 5 लाख इन अबाउट 2 to 3 months. इसमें क्या खराबी है? अच्छा, यहाँ पे जब आप पहले दिखते हैं ना, तो फिर आर एस डालना चाहिए, और ये बड़ा ही कैजुअल है. इन अबाउट 2 to 3 months, यू नो, बैड बैड कम्युनिकेशन. आप ये कहें आई विल रीपे यू, और इसमें भी हाइफन की जरूरत नहीं है, आई विल रीपे यू 500,000 rupees. इंग्लिश में लाख का लफ्ज नहीं होता. इन अबाउट 2 months, एक फिगर दें इसमें, दो तीन ना दें. अच्छा, इसमें क्या खराबी? आई थिंक सो ही हैज कमिटेड एन अनरिपेयरेबल मिस्टेक. आई थिंक नहीं, कॉमा नहीं, सो की जरूरत नहीं है यहाँ पे. बहुत सारे लोग यूं बोलते हैं, आई थिंक सो. अच्छा, यहाँ पे कमिटेड के बजाय भी ही मेड. आई थिंक ही हैज मेड एन इररेपरेबल मिस्टेक. इररेपरेबल वो गलती होती है जिसके लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, जो रिपेयर नहीं हो सकते, यू नो, बड़ी शदीद गलती. एवरी मिस्टेक इज नॉट इररेपरेबल मिस्टेक. सो ये है. तो हम जल्दी जल्दी इसको करते हैं जी. अब ये देखिए, इन लफ्ज़ों में ना कुछ चीज़ें कॉमन हैं. क्या चीज़ कॉमन है भला? इनमें से किसी भी लफ्ज के साथ एस नहीं लगता या ई एस नहीं लगता, प्लूरल नहीं बनाने की जरूरत होती, यानी एडवाइसेस गलत होगा, यू नो. एयरक्राफ्ट का प्लूरल एयरक्राफ्ट्स नहीं होगा, यू नो. अलुमनाई इज प्लूरल इटसेल्फ, अलुमनस सिंगुलर है, अलुमनाई प्लूरल है. ब्रेड का ब्रेड्स नहीं होगा, ठीक है. आई वॉन्ट टू बाय 2 loaves ऑफ ब्रेड, नहीं, ये नहीं कहेंगे कि आई वॉन्ट टू बाय 2 breads. सो कैटल, क्राइटेरिया, जितने भी लफ्ज हैं, इवन एटिकेट, यू नो, एटिकेट्स इज रॉन्ग, यू नो. एविडेंसेस हमने डिस्कस किया, फुटेजेस जो हमारे मीडिया पे बहुत गलत इस्तेमाल होता है, दिस इज फुटेज. जार्गन, जार्गन्स नहीं कहने की जरूरत. और ज्वेलरी, ऑफ स्प्रिंग, पर्सनल, फिनोमेना, प्रोजनी, रबल. रबल क्या होता है? मलबा. उलमा, उलमाज नहीं, यू नो, उलमा इटसेल्फ इज प्लूरल. अच्छा जी, ये देखिए, ये जो लफ्ज़ है ना, इनको कैपिटल करने की ज़रूरत नहीं होती. हमने वही असूल बनाया हुआ कि हर चौथा लफ्ज़ कैपिटल कर दो. सो थिंक बिफोर यू कैपिटलाइज एनी वर्ड. अब हमारे अखबार जो हैं, ये ब्लैक मार्केट जो है, बिलियन को भी कर देंगे कैप. कॉम्पिटेंट अथॉरिटी सरकारी दफ्तरों में होता है, और ये हमेशा कैपिटल होता है, सी बी और अथॉरिटी का ए बी, यू नो, देयर इज नो जस्टिफिकेशन. गोल्ड मेडल को कैपिटल करने की आदत है. और इसमें यही है गाइडेंस के आप नेटिव स्पीकर्स का यूसेज देखें कि वो कैसे करते हैं, यू नो, और चैट जीपीटी पे कर सकते हैं, इवन गूगल पे करके देख लीजिए. मार्शल लॉ, हमारे डॉन जैसे अखबार भी मार्शल लॉ को कैपिटलाइज करते हैं. अब ये देखिए, ये लफ्ज़ जो है ना, ये खुद लोअर केस हैं, लेकिन जब उनकी आप वो बनाएंगे ना एब्रीविएशन, वो कैपिटल होगी. और इसका सबसे बड़ा सबूत ये है कि ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट जो है, ये जहां पे भी आप देखेंगे नेटिव स्पीकर्स इसका जी एन और पी बड़ा नहीं लिखते, लेकिन जब एब्रीविएशन होगी वो जी एन पी कैपिटल होगा.
सो दो तीन स्लाइड्स और रह गई. अब ये जो लफ्ज है ना, इनको हाइफन करने की जरूरत होती है, यू नो. मतलब जैसे 45 आपने लिखा है, 55 लिखा है, दैट हैज टू बी हाइफनेटेड. रिजल्ट्स ओरिएंटेड, नॉट रिजल्ट ओरिएंटेड. टू थर्ड्स मेजॉरिटी, नॉट टू थर्ड मेजॉरिटी. अच्छा जी, व्हाट एल्स? वेल थॉट आउट सजेशन. वाइट हेयर्ड इंटेलेक्चुअल, सफेद बालों वाले इंटेलेक्चुअल, दानिश्वर. अच्छा जी, ये जो लफ्ज है ना, इनको हाइफन करने की या अलग अलग लिखने की कोई जरूरत नहीं है, यू नो. एंटी क्लाइमेक्स, अक्सर जो लफ्ज है ना एंटी वाले, उसमें हाइफन होता है, लेकिन एंटी क्लाइमेक्स में, इवन ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में भी आप देखेंगे तो हाइफन नहीं होगा. एंटी सोशल, बर्थ प्लेस, बोर्ड रूम, ब्रेन स्टॉर्मिंग, बाईपास, को एजुकेशन, को एग्जिस्टेंस. तो इसमें यही है कि थोड़ा सा कॉन्शियस होकर लिखा करें, और जब कंफ्यूज हों तो डिक्शनरी देख लें, और डिक्शनरी से भी एडवांस जो चीज़ें होती है ना, वो नेट पे ज़्यादा एडवांस चीज़ें होती हैं. अब जैसे टाइम्स जो है, लंदन का अखबार, उसने बहुत सारे हाइफन खुद ख़त्म किए हैं. एक लफ्ज़ जो है फ्रीक्वेंटली जब यूज़ होना शुरू हो जाता है, मतलब फंड रेजिंग, वन वर्ड लिखते हैं. तो और भी इस तरह के वर्ड्स जो हैं काफ़ी ऐसे हैं कि जिनको उन्होंने हाइफन को गैप कर दिया. लो जी, थैंक यू वेरी मच.